हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th क्लास की फिज़िक्स की आज पहली क्लास है। आई होप आप भी उतने ही एनर्जेटिक होंगे जितने मैं हूँ। रीज़न बीइंग क्योंकि ये आपकी मेरे साथ पहली क्लास है 11th की साइंस की, यानी कि फिज़िक्स की। फिज़िक्स अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे थे बिल्कुल वैसी ही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है हम बड़े हो गए हैं तो अंदर घुसेंगे, काफ़ी अंदर घुसेंगे हम। लेकिन बहुत अच्छी बात है 11th की फिज़िक्स की कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों ही चैप्टर बेसिक हैं। आपको अगर आपको आपने किताब खरीद ली है तो वेल एंड गुड है, नहीं खरीदी है तो भी वेल एंड गुड है। लेकिन फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है जिसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, क्या बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, वो चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है। दैट बेसिकली मीन्स कि वो चैप्टर थोड़ा सा भावुक है। हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, किसने बोला नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन 90% स्कूल में वो चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता, और जिनके स्कूल में पढ़ाया जाता है उनके स्कूल में बोल दिया जाता है कि इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप अभी उसे खोलें और देखेंगे कि उसकी एक्सरसाइज में खुद लिखा हुआ है कि इसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। कहने का मतलब यह है बेटा, फिजिकल वर्ल्ड बहुत ही भावुक चैप्टर है। मैं उसको अगर अभी शुरू करा दूंगा तो मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं होगा। उस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने क्या किया हमारे लिए, न्यूटन जी ने क्या किया हमारे लिए, वो मरते हुए क्या कह गए, साइंस के फ्यूचर एक्सपेक्ट्स क्या हैं, फ्यूचर में हम साइंस में क्या कर सकते हैं। अगर मैं अभी ये करा दूंगा तो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं होगी। कोई भी फर्स्ट चैप्टर से शुरू नहीं करता, इसलिए हम सेकेंड चैप्टर से शुरू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, विच इज़ कॉल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या बेटा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका पार्ट 1 चलेगा। आप सब हमसे पहली बार मिल रहे हैं आज, तो हम आपको बता दें कि हर वीडियो 20 से लेके 30 मिनट की होती है। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। पहला, अगर हम 30 मिनट के ऊपर जाएं तो वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे उसको, 1-1 GB तक पहुंच जाएगी। इसलिए हमारा हर एक लेक्चर 20 से लेके 30 मिनट का होगा। वीडियो के दौरान आपको हम बार बार बोलेंगे वीडियो को पॉज कर लीजिए नोट करने के लिए, क्योंकि हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लेकिन उससे पहले पढ़ना होगा व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है बेटा? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। बेटा ऐसी कोई भी चीज जिसको हम लोग नाप सकते हैं उसे बोलते हैं क्वांटिटी। क्या आप मेरा वजन नाप सकते हो? हाँ, तो वो क्वांटिटी हो गया। क्या आप टाइम नाप सकते हो? हाँ, वो क्वांटिटी हो गया। क्या आप टेम्परेचर नाप सकते हो? हाँ, वो क्वांटिटी हो गया। क्या आप लंबाई नाप सकते हो? हाँ, वो क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। क्या आप फोर्स नाप सकते हो? हाँ, वो क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। और ऐसी कोई भी चीज़ जिनको हम नहीं नाप सकते वो क्वांटिटी नहीं होती। क्या आप प्यार को नाप सकते हो? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कितना? बहुत नहीं, कितना? बहुत नहीं, कितना? नहीं नाप सकते। मैं उस इंसान से बहुत नफरत करता हूँ, कितना? नहीं पता। ये चीजें नापी नहीं जा सकती, इन्हें क्वांटिटी नहीं कहते। क्वांटिटी वो है विच कैन बी मेजर्ड, जिन्हें नापा जा सकता है। क्या एग्जाम्पल देने की जरूरत है? मास है, फोर्स है, टाइम है, इन्हें नापा जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है नापेंगे किसमें? तो जो नापने मदद करते हैं उन्हें बोलते हैं यूनिट्स। तो आप कह सकते हो टूल्स विच हेल्प अस टू मेजर क्वांटिटीज, है ना बेटा? ऐसी कोई भी चीजें जो हमारी मदद करती हैं क्वांटिटीज को नापने में उन्हें बोलते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं? यूनिट्स। क्या टाइम को नाप सकते हैं? हाँ। किस में नाप सकते हैं? ओहो, बहुत सारी चीजें, सेकेंड्स हैं, मिनट्स हैं, आर है, डेज है, वीक है, मंथ है, सेंचुरी है, डेकेड्स हैं, बहुत तरीके हैं क्या नापने के, टाइम को नापने के। मास को नाप सकते हैं? बिल्कुल। ग्राम है, केजी है, टन है, क्विंटल है, ये सब तरीके हैं मास को नापने। कहने का मतलब है यूनिट्स वो है जो चीजों को नापने में हमारी मदद करें। यूनिट्स बहुत प्रकार की होती हैं। हमें इस चैप्टर में दो प्रकार की यूनिट्स पढ़नी है। पहली पढ़नी है फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोला मैंने? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? यूनिट्स विच आर एज्यूम्ड बट नॉट डिराइव्ड। ऐसी यूनिट जिनको एज्यूम कर लिया गया, मान लिया गया, जिनको जिनको डिराइव नहीं किया गया, जिनको प्राप्त नहीं किया गया, इनको बस मान लिया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे उसका सिर्फ आंसर दे देना है आपने। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि इस हाथ को राइट हैंड क्यों बोलते हैं और इसको लेफ्ट हैंड क्यों बोलते हैं? नहीं है।
क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये जो बोर्ड है ये लकड़ी के बेस पे क्यों टिका हुआ है? अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, बस बना दिया यार। क्या अच्छा, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि मैंने आज ये ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और उस पर नीले लाइनें क्यों हैं? नहीं बेटा, ये तो बस ऐसे ही है। बोलो, टेंथ क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे हमने बात की थी कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, क्या नाम था उनका, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई कारण था उनके पीछे? नहीं था बेटा, बस नाम दे दिए थे। याद होगा आपको, हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, नाम बोलो उनका, एक्स और वाई, क्या रीजन है, बस नाम दे दिया। आप जो बच्चा कैमरे के अंदर इस वक्त बैठा हुआ, अंदर बैठा हुआ पढ़ रहा है मुझसे, आपका नाम क्यों नाम पड़ा? कोई रीजन तो नहीं है ना कि भैया, जैसे कि बाहुबली को जानते हो आप बेटा, बाहुबली का नाम बाहुबली क्यों पड़ा था? वहां पर कारण था, उस बचपन में उसने आंटी जी की उंगली पकड़ ली थी, शायद आपको पता होगा। बाहुबली, बाहु का मतलब हाथ, बली का मतलब ताकतवर, उसके हाथों में ताकत थी तो नाम पड़ गया बाहुबली बचपन से। अब आपका नाम बचपन से कोई करेक्टर पर नहीं पड़ा, बस रख दिया। अब किसी का नाम दीपक है तो क्या इसका मतलब यह बचपन में जलता था? नहीं बेटा, ऐसा क्या से होता है, ये कन्वेंशनल नेम बस रख दिए हैं। आप समझे, दुनिया में 7 बस ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते, उनको हमने बस क्या किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है। दे कैन नॉट बी डिराइव, वी cannot derive these 7 quantities, and these 7 quantities are called fundamental quantities, or their units are called fundamental units. आओ जी सातों को पढ़ते हैं। पहली आ रही है मास, इसकी यूनिट आप सब जानते होंगे किलोग्राम। टाइम, इसकी सब यूनिट जानते होंगे सेकेंड्स, ऑब्वियसली बात है हम लोग SI यूनिट की बात कर रहे हैं अभी। लेंथ सब जानते होंगे मीटर। टेम्परेचर बोलते रहो, शाबाश केल्विन। करंट एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापते हैं मोल्स में। और लास्ट है, आप इसे नहीं जानते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी आप छोटे हैं वैसे इसके लिए, लेकिन रोशनी को नापते हैं, रोशनी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी नापते हैं, और यूनिट होती है इसकी कैंडेला। हो सकता है आप इसे बहुत सारे बच्चों ने आज से पहली बार सुना हो, लेकिन मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको कोई माइका लाल या लाली डिराइव नहीं कर सकता। ये एज्यूम्ड क्वांटिटीज हैं, इन्हें मान लिया गया है, इन्हें बस एज्यूम कर लिया गया है। 1 मीटर इतना होगा, 1 किलो इतना होगा, 1 सेकंड इतना होगा, 1 एम्पियर इतना होगा, इसे एज्यूम कर लिया गया बस। ऑब्वियसली हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी है, कहानी का मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत है, कोई ना कोई रीजन है, मतलब कि यार इसका नाम ये क्यों रखा। कहानियां हैं सबके पीछे, लेकिन कोई मैथमेटिकल रीजन, कोई फिजिकल रीजन नहीं है हमारे पास इनका। ये 7 ऐसी क्वांटिटी ने एज्यूम किया गया, हम इन क्वांटिटीज को डिराइव नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर आती है सेकेंड हमारे पास, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, समझ गए हो गया आप? इस दुनिया में कितनी यूनिट्स हैं, कितनी क्वांटिटीज हैं, यूनिट्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं, कितनी यूनिट्स हैं? आंसर है पता नहीं, हजारों लाखों। उनमें से सिर्फ 7 ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल है, जिनको डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन बाकी बची भी हर एक क्या है, डिराइव। तो आप कह सकते हो यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसी कोई भी यूनिट जो इन 7 से प्राप्त की जा सकती है उसे बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, टेंशन मत लो आप। न्यूटन, नाम सुना हुआ आपने, बिल्कुल सुना होगा। ये फोर्स की क्वांटिटी होती है, फोर्स का फॉर्मूला भी याद होगा आप सबको, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास होता है केजी और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो न्यूटन है वो बेसिकली कुछ भी नहीं है सिवाय किसके, केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। दैट सिंपली मीन्स
कि न्यूटन जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है, देखो हमने उसको इन सातों में से किसी तीन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, केजी, मीटर और सेकंड। जो केजी भी यहाँ आ रहा है, मीटर भी यहाँ आ रहा है और सेकंड भी यहाँ आ रहा है। पास्कल को जानते हैं ना, पास्कल को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पक्का पास्कल होता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला आप तक पता ही होगा सबको, फोर्स अपॉन में एरिया, पता है ना सबको? तो प्रेशर जो कि पास्कल होता है, फोर्स जो कि अभी अभी हमने लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया सबको पता ही है शायद मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो पास्कल इज बेसिकली मीटर से मीटर कैंसिल, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप मुझे बताएं क्या पास्कल एक फंडामेंटल क्वांटिटी हुई या डिराइव्ड हुई? डिराइव, क्योंकि हम पास्कल को इन सातों की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे, और वो है बेटा चार्ज। चार्ज क्यों सबको पता ही होगी, पहले चार्ज का फॉर्मूला बता दो मुझे। चार्ज का फॉर्मूला करंट इंटू में टाइम, 10th क्लास यार, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, तो चार्ज हो गया करंट इंटू में टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। करंट की होती है एम्पियर, टाइम की होती है सेकेंड, तो कूलम इज बेसिकली नथिंग बट एम्पियर सेकेंड। क्या एम्पियर यहाँ पे कहीं आ रहा है? ये रहा, सेकेंड है ये रहा, इसका मतलब कूलम भी कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड, क्योंकि ये इन सातों के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो अभी फिलहाल इस बोर्ड पे दो बातें लिखी हुई हैं, पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते, इनको हमने एज्यूम किया हुआ है, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डिराइव करते हैं, इन सातों से प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं, उन्हें बोला जाता है डिराइव। आसान भाषा में कहूँ, इन सातों के अलावा जो भी क्वांटिटी आपके दिमाग में आ रही है, जो भी यूनिट आपके दिमाग में आ रही है, वो क्या है? डिराइव यूनिट्स हैं या डिराइव क्वांटिटीज हैं। बात समझ में आई? वीडियो को पॉज करके इतना नोट करेंगे। हाँ भाई, तो आई होप आपने नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। देखो मैं ये टॉपिक डायमेंशंस नाम का टॉपिक तभी शुरू कर सकता हूँ बेटा जब आप मुझे एक बात का जवाब दें। आप एलकेजी क्लास में थे, आप प्री प्राइमरी क्लास में थे, आप प्री प्राइमरी क्लास में गए, आपको चीज़ सिखाई गई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग सिखाया गया आप सबको। आप मुझे एक बात बताएं, जब आप एलकेजी क्लास में थे तो क्या आपको ये पता था कि ये इस्तेमाल कहाँ पे आएंगे? नहीं। आई होप आपको इनका इस्तेमाल तो शायद फर्स्ट क्लास में जाके समझ में आया कि अच्छा अगर हम सी को, ए को और टी को एक साथ लिख दें तो इसे कैट बोलते हैं। बोलो बेटा, कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें शुरुआत में ए बी सी डी सिखाई तो गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्यों सिखा रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी सीखी। मान लेते हैं आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं भैया भैया मुझे इलेक्ट्रीशियन बनना है, मुझे आप जैसा बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन बनना है, मैं भी एक इलेक्ट्रीशियन हूँ मान लो। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ पहले आप कुछ चीज़ें खरीद के लाओ, एक पेचकस खरीद के लाओ, एक प्लास खरीद के लाओ, कुछ वायर खरीद के लाओ, एक टेप खरीद के लाओ, एक पेन खरीद के लाओ, एक डायरी खरीद के लाओ। क्या आप मुझसे ये पूछोगे कि सर इसका काम क्या है? नहीं, आप बस खरीद के ले आओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको वो खरीदने के लिए बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो काम करवाएंगे ही। अरे बोल दो। बिल्कुल ऐसे ही डायमेंशंस भी हैं बेटा। हो सकता है कि आज जो मैं कराऊं डायमेंशंस में आपको समझ ही ना आए कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मेरा यकीन मानिएगा धीरे धीरे जैसे हम डायमेंशंस कर लेंगे, हमें एक टॉपिक पढ़ना है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, यानी हमें इनको इस्तेमाल करना है, पहले हमें सीखना है। जब तक हम सीखेंगे तब तक सब्र रखना है, लेकिन जैसे हम सीख लेंगे फिर सवाल उठाना कि ये कहाँ काम आया। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी अगर आपको ना समझ में आए कि ये कहाँ काम आया तो मुझे मैसेज करना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा। डायमेंशंस बहुत काम की चीज़ हैं, लेकिन शुरुआत में आपको सब्र रखना है कि ये क्या, कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। डायमेंशन, सबसे पहले हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनमें से एक है मास, एक है लेंथ, एक है टाइम और एक है करंट, है कि नहीं है बेटा? लेंथ, मास, टाइम और करंट। अब इसके जो डायमेंशंस होते हैं, मास के लिए कैपिटल एम यूज करेंगे हम, लेंथ के लिए कैपिटल एल यूज करेंगे हम, टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे हम और करंट के लिए कैपिटल ए यूज करेंगे हम। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है,
बेटा एक सवाल पूछूंगा, मास की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? आप बोलोगे ग्राम होती है, आप बोलोगे केजी होती है, आप बोलोगे टन होती है, लेकिन मास के डायमेंशन सिर्फ एक ही होते हैं, वो है कैपिटल एम। हमें इस चैप्टर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल कि यूनिट क्या है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास केजी में है, मास ग्राम में है, मास टन में है, हमें मास जहां भी दिख जाए हमें कैपिटल एम लगा देना है। हमें लेंथ से लेना देना नहीं है, वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, लाइट ईयर में है, किसी भी यूनिट में हो हमें वहां पे लगाना है कैपिटल एल। टाइम सेकंड में है, मिनट में है, डे में है, आवर में है, सेंचुरी में है, वीक में है, मंथ में है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें टाइम की जगह लगाना है टी, ऐसे हमें करंट की जगह लगाना है ए। हालांकि करंट की तो यूनिट भी ए ही होती है, लेकिन हमें उसके डायमेंशंस भी क्या यूज करना है, ए। सर ये क्या हो रहा है, सब्र रखना है। क्वेश्चन कैसे है अभी फिलहाल, क्वेश्चन आए कि कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग। आपसे क्वेश्चन आया, अच्छा फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी, 7। मैंने उनमें से यहां पे सिर्फ कितने लिखी हैं, 4। रीजन, क्योंकि हमको अभी फिलहाल 4 पे ही वर्क करना है। देखो मैंने आपसे एक डिमांड की है, मैंने आपसे कहा है 2 लेक्चर, एक ये वाला और एक नेक्स्ट वाला, इन 2 लेक्चर आपको मेरा साथ देना है, उसके बाद मस्का। कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनके डायमेंशंस निकालने, बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं आपको आज इसके ऊपर होमवर्क दूंगा, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही इजी रही। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब क्या है, आपको इन सब के डायमेंशंस निकालने हैं। पहला आया स्पीड, क्या आया, स्पीड, स्पीड के डायमेंशन निकालने। इसका मतलब सबसे पहले बेटा फॉर्मेट को समझो, अगर आपको किसी के भी डायमेंशन निकालने हैं तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना होगा। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। नहीं पता है तो मैंने लिख दिया है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ स्पीड, क्या निकालने जा रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ स्पीड। तो ये देखो ध्यान से, ये आपके जीवन में आज आया है, अब कभी जीवन से जाएगा नहीं। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ स्पीड। स्क्वायर ब्रैकेट का फिजिक्स में मतलब होता है डायमेंशंस, जैसे मैथ्स में प्रोबेबिलिटी के लिए आप पी और उसके बाद ब्रैकेट लगाते हो ना, ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट का फिजिक्स में मतलब है डायमेंशंस। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ स्पीड, क्या लिखा हुआ है, डायमेंशंस ऑफ स्पीड। तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस के डायमेंशंस आएंगे और नीचे टाइम के डायमेंशंस आएंगे। बात को समझना है, सब्र रखना है। डिस्टेंस मतलब लंबाई, लंबाई के डायमेंशंस क्या होते हैं, वेरी गुड, एल होते हैं। टाइम मतलब समय, समय किसी भी क्वांटिटी में हो, किसी भी यूनिट में हो, उसका डायमेंशंस क्या होते हैं, टी होते हैं। क्या होते हैं, टी। इस टी को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या आ गया, एल टी की पावर माइनस वन आ गया। क्या आ गया, एल टी की पावर माइनस वन। अब एक कन्वेंशन समझेंगे, हर एक चीज के डायमेंशंस को एम एल टी की फॉर्म में छोड़ना है। किस फॉर्म में छोड़ना है, एम एल टी की फॉर्म में छोड़ना है। ये एल और टी की फॉर्म में तो आ गया, इसमें एम नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे एम जीरो एल टी माइनस वन। क्या, एम जीरो एल टी माइनस वन। घबराए ना, सब्र रखें बेटा, मैंने कहा है आपको 2 लेक्चर आपको मेरा साथ देना है बस। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग किसके बारे में, डेंसिटी। डेंसिटी के डायमेंशंस निकाल रहे हैं हम लोग। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, शाबाश, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मास अपॉन में वॉल्यूम, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या लिखा है, मैंने इतना पढ़ दो बस मेरे लिए, वेरी गुड, सही कह रहे हो, मैंने सुन लिया। ये लिखा हुआ है डेंसिटी के डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। अच्छा जी, डेंसिटी के डायमेंशंस के लिए मास के डायमेंशंस लगाएंगे और वॉल्यूम के डायमेंशंस लगाएंगे। मास के डायमेंशन मतलब, वेरी गुड, कैपिटल एम, और वॉल्यूम के डायमेंशंस मतलब, वॉल्यूम किस में नापते हैं, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, बोलो बेटा किलोमीटर क्यूब में, यानी लेंथ के क्यूब में नापते हैं। तो वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, लेंथ का क्यूब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लेंथ का क्यूब हो जाएंगे। ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम एल माइनस थ्री। मैंने आपको अभी एक बात बोली थी, क्या बोली थी, किसी भी चीज को आपको एम एल टी के फॉर्म में छोड़ना है। अब यहाँ पे एम भी है, यहाँ पे एल भी है, लेकिन टी नहीं है, तो टी की पावर क्या लिख देंगे, 0, 0।
और आपने एक बात और भी नोटिस की होगी, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का साथ नहीं छोड़ा, स्क्वायर ब्रैकेट का साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ दिया, मार्क्स मिलेंगे शून्य, मार्क्स मिलेंगे जीरो, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है आप डायमेंशंस लिख रहे हो, और अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। बात समझ में आई? बोलो बेटा। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग एक और करेंगे, वो है वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी? बहुत ईजी, बिल्कुल। वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी को याद हो? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। शाबाश। वेलोसिटी के डायमेंशंस लिख रहा हूं मैं। वेलोसिटी के डायमेंशंस कैसे लिखेंगे भाई? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस अपॉन में टाइम के डायमेंशंस। डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन बोलो बेटा। वेरी गुड, लेंथ है तो एल, और टाइम के लिए टी, टी ऊपर आ जाएगा तो टी ऊपर आ क्या हो जाएगा? टी माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी माइनस वन। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, आपको इसे एम एल टी की फॉर्म में छोड़ना है, तो एम जीरो एल टी माइनस वन। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, स्पीड के डायमेंशन भी एम जीरो एल टी माइनस वन आए, और वेलोसिटी के भी आए, और आने भी चाहिए, बिकॉज दोनों की यूनिट तो सेम ही होती है, मीटर पर सेकेंड। बेटा मैं आपको दो तीन डायमेंशन और कराऊंगा, चीजें समझ में आना शुरू होंगी, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आपको समझ में आएगा खेल क्या हो रहा है सारा। प्लीज जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करेंगे। हाँ भाई, आई होप आपने नोट कर लिया, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आएगा अभी आपको बेटा धीरे धीरे। तीसरी बार बोल रहा हूँ, दो क्लास साथ देना है, चीज़ें बहुत आसान है, ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है हमारे इलेवेंथ का, ध्यान रखिएगा। आओ जी आओ, आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या कह लो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बात एक ही है फिलहाल। आओ जी, अब हमें क्या लिखने हैं? एक्सेलरेशन के डायमेंशंस लिखने हैं। तो क्या करेंगे, पूरा भी लिख सकते हो आप नाम, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। इसे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? क्या ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है? नहीं, ये लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये आ गया डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी और डायमेंशंस ऑफ टाइम। आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही नोट किया है कि वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, तो आंसर है एल टी माइनस वन, अभी तो निकाले थे यार, और टाइम के लिए क्या होते हैं? टी, तो टी ऊपर चला जाएगा, तो एल टी पावर माइनस टू। लेकिन यहाँ पे कौन नहीं है? एम नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसको? एम जीरो एल टी माइनस टू। बोलो बेटा। और ये एक और आया हमारे लिए फोर्स। कौन आया? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बोल दो यार। वेरी गुड, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, फोर्स के डायमेंशंस क्या करेंगे हम? मास के डायमेंशंस और एक्सेलरेशन के डायमेंशन। मास के डायमेंशन बोलो मरो, मास के लिए एम, और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस बोलो, अरे ये तो निकाले हुए ऊपर ही, क्या एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई कर दोगे तो एम एल टी की पावर माइनस टू, ये तो आ ही एम एल टी की फॉर्म में गया, तो ये किसका डायमेंशन हो गए? फोर्स के। बहुत आसान है यार, बोलो। आई होप आप डायमेंशन निकालना सीख गए। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भूलना, स्क्वायर ब्रैकेट भूल गए ना, खत्म, जीरो। तो आज हम लोग बेटा इतना ही पढ़ेंगे, और मैं आपको अब कुछ दो तीन चार पांच फॉर्मूले दे रहा हूँ जिनके डायमेंशंस आपको घर से करके आने हैं, जैसे कि मोमेंटम, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि इंपल्स, जैसे कि वर्क, वर्क। इनके चारों के डायमेंशन निकालने। सर हमें तो इनके फॉर्मूले नहीं पता, हम तो भूल गए। कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेनी। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया, इंपल्स का फॉर्मूला, ये आपके लिए नया है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, अभी टेंशन मत लो कि ये क्या होता है, बस फॉर्मूले पर ध्यान दो, फोर्स इंटू में टाइम, और वर्क तो सबको पता है शायद, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। एक और ले लीजिए बेटा, पावर, क्या ले लीजिए? पावर, फॉर्मूला होता है इसका वर्क अपॉन में टाइम, क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। तो ये पांच डायमेंशन तमीज से, और जो मैंने आपको कराया उनको रिपीट करना है, पहले रिपीट करना है, प्लीज कसम है मम्मी की,
और उसके बाद ये पांच करके मुझे आपको व्हाट्सएप पे भेजने हैं। अगली वीडियो आने से पहले फिजिक्स की मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, मेरी रिक्वेस्ट है। ये जो भी छोटा मोटा काम मिलेगा ढंग से करेंगे उसको, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज करेंगे, इतना नोट करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।